टेक्निक्स का यूज। ऐसा है कि अब क्वेश्चन पूछते हैं कि टेक्निक्स का यूज करे क्यों। भाई कोई कितना भी पढ़ लिया हो ना, उसको 40 से 45 और मैक्सिमम 50 क्वेश्चन से ज्यादा 100% श्योरिटी के साथ वो फर्स्ट राउंड में सॉल्व नहीं कर सकता है। डेट इज वाई यू विल हैव टू यूज टेक्निक्स। अब कौन कौन से टेक्निक है? पहला टेक्निक है इंटेलिजेंट गेस वर्क। अब कई सारे क्वेश्चंस पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक में ऐसे होते हैं जो आपको गेस करके बना सके, बट गेस मतलब तुक्का नहीं मारना है। इंटेलिजेंट मतलब गेस ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज कि हाँ ये लग रहा है सही होगा, ये लग रहा है गलत होगा। सेकंड टेक्निक इज एलिमिनेशन टेक्निक। अब यूपीएससी जो है कभी कभी ऐसे सवाल पूछते हैं जिसमें कई सारे क्वेश्चंस तो हो गए, उसमें उसके बाद उसके स्टेटमेंट्स होंगे, राइट? फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, लेस्ट से थर्ड स्टेटमेंट। अब जो ऑप्शंस डिजाइन किए जाते हैं उसमें यूपीएससी यह आपको स्कोप देता है कि आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकें। अब मान लीजिए कि आपको पता है फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, लेकिन बाकी दो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट्स के बारे में यू डू नॉट हैव एनी आइडिया, तो आप उन ऑप्शंस को पहले ही रिजेक्ट कर दें जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट लिखा हुआ है, राइट? तो उस तरीके से आपको एलिमिनेशन टेक्निक लगाना है। अगर आपको दो स्टेटमेंट के बारे में पता है तो आंसर बनाना और ईजी हो जाएगा। सो दिस इज वॉट आई कॉल और दिस इज वॉट वी कॉल एलिमिनेशन टेक्निक टू यूज इन आंसर। एक और बहुत ही कॉमन चीज़ें देखी गई है यूपीएससी के पैटर्न में कि जो एक्सट्रीम ऑप्शंस होते हैं, एक्सट्रीम ऑप्शंस, फैक्चुअल डेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये यूजुअली रॉन्ग होते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस वर्ड को ध्यान में रखना। आई एम यूजिंग यूजुअली। वाई यूजुअली? यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो आपके साथ कभी भी गेम खेल सकती है। सो डोंट, ये इस भावना में नहीं रहना है कि हमेशा ही गलत होंगे, बट जनरल तौर पे देखा जाता है एक्सट्रीम ऑप्शन, फैक्चुअल डेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू। जिस क्वेश्चन में भी आपको ये तीन चीज़ें दिख रही हैं वो क्वेश्चन पे आप थोड़ा टाइम दें, ज़रूर देखें कि ये क्वेश्चन बन सकता है नहीं। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट है कि ऑलवेज नेवर, इन सारे जिस स्टेटमेंट्स में ऑलवेज और नेवर यूज़ किया गया है उसमें भी प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग या राइट हो सकता है। द रीज़न कि ऑलवेज इट मीन दुनिया की सारी चीज़ें उसमें आ गई, अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हमेशा सारी चीज़ें सही हो। एंड नेवर मीन्स कोई ना कोई तो एक्सेप्शन होगा जो उस केस को सेटिस्फाई कर रहा होगा, राइट? सो ऑलवेज और नेवर, ये दो वर्ड जिन स्टेटमेंट्स में, जिन आंसर चॉइस में यूज़ हुआ है उस पर आप थोड़ा टाइम दें, वो क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। सो दीज आर द पॉइंट्स और दीज आर द टेक्निक्स which you must keep during solving the prelims paper. अब एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, बिकॉज यू नो एग्जाम्पल से हमें अच्छे तरीके से समझ में आता है कि कैसे हमें टेक्निक यूज़ करना है एग्जामिनेशन में, कैसे वी हैव टू यूज इंटेलिजेंट गेस। इंटेलिजेंट गेस, अगेन आई एम सेइंग, इंटेलिजेंट गेस तुक्के पे नहीं होता है, इंटेलिजेंट गेस नॉलेज के बेसिस पे होता है। तो 2016 के प्रिलिम्स में क्वेश्चन आया था विथ रेफरेंस टू एस्ट्रोसैट, the astronomical observatory launched by India, which of the following statements are correct? First statement is, other than the USA and Russia, India is the only country to have launched a similar observatory into space. पहला statement ये था। दूसरा statement was, Astrosat is a 2000 kg satellite placed in an orbit of 1650 kilometer above the surface of the Earth. अब इसमें से एक सवाल ये है कि करेक्ट आंसर कौन कौन से होंगे, राइट? अब जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि जो भी एक्सट्रीम ऑप्शंस हैं, जो भी फैक्चुअल डेटा है वो ऑफन गलत हो सकता है। तो इसमें हम देखें सबसे पहले एक्सट्रीम ऑप्शन क्या है, ओनली यूएसए, रशिया। चलिए इन्हें मान लेते हैं, ये टेक्निकली ओवरपावर्ड अच्छे कंट्रीज हैं तो उन्होंने जरूर बनाया होगा। वेयर इज चाइना, राइट? चाइना कहाँ है? वेयर इज ऑस्ट्रेलिया, वेयर इज जापान। हो सकता है कि इन लोगों ने भी एक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च किया हो, तो ओनली वाला स्टेटमेंट हो सकता है गलत हो, अदरवाइज तो ओनली वाला हो सकता है गलत। तो दूसरा स्टेटमेंट को हम लोग देखें, 1650 किलोमीटर, सैटेलाइट्स का यूजुअल वेट इतना होता है, जिसके पास भी थोड़ी भी नॉलेज होगी 2000 केजी तक तो सैटेलाइट होता ही होता है, तो ये सही हो सकता है। दूसरा है 1650 किलोमीटर। अब जिसने भी स्पेस के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा, देयर आर टू ऑर्बिट्स, जियो स्टेशनरी एंड लोअर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट मैक्सिमम 1000 किलोमीटर तक जाता है और जियो स्टेशनरी 36,000 किलोमीटर पे होता है। अब भाई ये है 1650, ना इधर का रहा ना इधर का रहा, तो जाएगा कहाँ? बीच में तो सैटेलाइट लगेगा नहीं, अदरवाइज कोऑर्डिनेशन का इशू हो सकता है। डैट इज़ वाई इस स्टेटमेंट के गलत होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसके ऑप्शंस में आंसर होगा डी, नीदर वन एंड टू। इंडिया, रशिया और यूएसए के अलावा भी ये कंट्री है जिसने ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया है। साथ ही साथ ये सैटेलाइट 1650 किलोमीटर पे नहीं बल्कि 650 किलोमीटर पे हो सकती है ऑफ द हाइट। नियर लो अर्थ ऑर्बिट में इस तरीके के सैटेलाइट्स को प्लेस किया जाता है। सो ये एक एग्जाम्पल है किस तरीके से आपको इंटेलिजेंट गेस एंड एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करके पेपर सॉल्व करना है विदाउट इवन नोइंग कि एस्ट्रोसैट आखिर होता क्या है। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल विच आई वांटेड टू गिव।